Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो. हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं. दे उसकी निंदा करते हैं. निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होगी. भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा. ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान से चलता है. जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए. कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं. वोट जिहाद, सुना आपने? सियासी शब्दकोश का ये वो नया शब्द है जिसने 2024 के तीसरे चरण वाले रण में संग्राम मचा दिया है. और इसका आविष्कार किया कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने. बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो. दरअसल फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाके के समर्थन में एक जनसभा में बोलते हुए मारिया ने बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर दी. फिर क्या, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक ये बयान वायरल हो गया. इसलिए बहुत अकलबंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो. क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं. बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई. मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए. इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो. आज कितने लोग सीएनआरसी में जेलों में बंद हैं. हम लड़ रहे हैं आपके लिए, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. आरक्षण, संविधान, विरासत टैक्स, मंगलसूत्र और फेक वीडियो सरीखे दांव के बाद भी उत्तर प्रदेश की धीमी चुनावी पिच पर फुलटॉस आई इस बॉल को बीजेपी भला कैसे छोड़ देती. लिहाजा बीजेपी ने भी कर दिया हिट. देखिए, हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का, या जिहाद हो और वोट जिहाद की मानसिकता, ये बहुत खतरनाक है. इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ और इसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. यह न देश स्वीकार कर सकता है, न प्रदेश स्वीकार कर सकता है. भारत की राजनीति में जिहाद का चिन्ह चुनावी हार जीत का सबब बन सकता है, क्योंकि लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक बीजेपी के लिए ये मुद्दा मुफीद हो सकता है. हालात की हकीकत को समझते हुए खुद सलमान खुर्शीद ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए कहा कि जिहाद का मतलब संघर्ष होता है. हालांकि इस मामले में सलमान खुर्शीद और मारिया खान के खिलाफ कायमगंज थाने में केस दर्ज किया गया है. जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है. भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें. अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, हो कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है. बहरहाल जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद सियासी गलियारों में वोट जिहाद के नए विवाद को जन्म दे दिया है. अभी तक तो वोट के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते थे, अब वोट जिहाद के इस ऐलान पर सवाल यह है कि आखिर इसके मायने क्या हैं?